दोस्तों आज की तारीख में अगर एक सेगमेंट की बात करूं जिसके अंदर सबसे ज्यादा फोन के बारे में बात होती है, सबसे ज्यादा डिमांड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस रेंज के अंदर सबसे धमाकेदार फोन जो है आज की तारीख में अवेलेबल है। रेंज है 10,000 रुपए के आसपास की, और अगर आपका बजट है 10,000 रुपए के आसपास का तो क्या कमाल धमाल फोन इस वक्त मार्केट के अंदर आए हुए हैं। एक से एक बड़े ब्रांड के फोन आज की तारीख में इस रेंज के अंदर अवेलेबल है, और भरमार है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस रेंज में कमाल के तीन चार फ़ोन निकाल के लेके आना, लेकिन तीन चार से भी ज़्यादा फ़ोन मैं लेके आया हूँ, और हर एक फ़ोन है एक दूसरे पे भारी। कमाल का ये एपिसोड होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक से एक फ़ोन है और एक फ़ोन दूसरे पे भारी, दूसरा तीसरे भारी, इस तरीके का ये एपिसोड है। तो फटाफट बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। सबसे पहले अगर मैं फोन की बात करूं तो वो है लेजेंडरी नोकिया 5.1। नोकिया का जो ब्रांड है दोस्तों अपने आप में ही एक स्ट्रांग माना जाता है कि इसके फोन जो है दमदार होते हैं, और अगर फोन आपको मिल रहा हो 10,000 रुपए की रेंज में, 9,990 रुपए की रेंज में, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी काफी स्ट्रांग है। बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों। प्रोसेसर की अगर इसी बात करें तो हीलियो का P60 इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अंदर चलता है। ये कमाल का प्रोसेसर है जो कि AI को सपोर्ट करता है। 3GB की अंदर आपको रैम मिलेगी, 32GB की अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, जिसे आप 500GB तक बढ़ा सकते हैं, नहीं 400GB तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे 400 या 500 जो भी मैं बोलूँ, मतलब नॉर्मली लोग 32 या 64GB से ऊपर बढ़ाने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर मैं रियलिटी आपको बताऊँ तो 400-500GB का जो मेमोरी कार्ड है वो अपने आप में ही 10,000 रुपये से ऊपर का आता है, तो कोई सेंस नहीं बनती है। बट 32 या 64GB बड़े आराम से आप कर सकते हैं, 128GB तक का भी कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं। 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, और 5 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो है डेप्थ सेंसर कैमरा, तो काफ़ी अच्छे आपको बुके इफेक्ट इसमें मिलने वाले हैं। 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है दोस्तों। रियर कैमरे की अगर बात करूं तो मैंने परफॉर्मेंस देखी है, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूं इसकी परफॉर्मेंस से, तो रियर कैमरा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा एक एवरेज कैमरा में बोलूंगा, एवरेज के आसपास ही कहूंगा मैं, बहुत अच्छा कैमरा, फ्रंट फेसिंग में नहीं बोल सकता हूं। 3060mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, साथ ही आपको मिलेगा USB-C सपोर्ट, तो फास्ट चार्जिंग सर आपको मिल जाती है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, जो चीज़ मैंने पर्सनली नोट करी है कि चाहे वो फ़ोन सैमसंग के हो या नोकिया के हो या फिर ऑनर के फ़ोन हो, इन फोन्स के अंदर बैटरी जो है चाहे 3000mAh की हो, लेकिन काफ़ी अच्छा, मतलब बैटरी एफिशिएंट ये फ़ोन होते हैं, और काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है बैटरी बैकअप, और अगर चार्ज करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो फास्ट चार्जर का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 5.8 इंचेस का आपको HD+ डिस्प्ले मिला है, एक नॉच वाला डिस्प्ले है, तो 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलने वाला है। देखने में फ़ोन काफ़ी खूबसूरत है और एक ग्लासेस का फिनिश देता है अगर आप हाथ में लेते हैं, और काफ़ी रिच फील आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैं कुछ चीज़ें जो आप ध्यान में रखें तो इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो 2 सिम लगाने के बाद मेमोरी कार्ड आप अलग से नहीं लगा पाएंगे। दूसरे फ़ोन की बात करता हूं दोस्तों, तो दूसरा फ़ोन है रेडमी का 6 प्रो, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, और ये 9,000 से भी नीचे आपको मिल जाता है। अभी जो है इसका प्राइस जो है 8,990 रुपये हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो ये भी 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाता है, साथ ही आपको रियर कैमरा जो है वो EIS के सपोर्ट के साथ मिलता है, मतलब आप वीडियो बनाएंगे तो स्टेबलाइजेशन आपको ठीक ठाक इसमें मिल जाती है। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, वो भी AI से लेस है, और 5 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा। 5.84 इंचेस की आपको फुल HD स्क्रीन मिलने वाली है, और कमाल का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का इसमें प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 2.0 GHz की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 8.1 आपको ओरियो इसके अंदर मिल जाएगा, 4000mAh की दमदार बैटरी इसके अंदर है, नॉच वाला डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों प्रोज की बात करूं तो इसके अंदर ड्यूल 4G का आपको सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मैसिव बैटरी है, 4000mAh के अंदर आपको बैटरी मिल जाती है, EIS का आपको सपोर्ट मिल जाता है, नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। रेडमी का फोन है, ब्रांड अपने आप में काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग मतलब ब्रांड ये माना जाता है आज की तारीख में। और अगर जिन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड इसके अंदर सिम स्लॉट मिलेगा, तो 2 सिम लगाने के बाद अलग से आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, और सेल्फी कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल है, काश 5 मेगापिक्सल से थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, 8 मेगापिक्सल एटलीस्ट कर दिया होता। तो ये जो 2 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, बाकी फ़ोन है काफ़ी दमदार। अगर आपका बजट है 10,000 के आसपास या 9,000 के आसपास तो भी आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं दोस्तों। तीसरे अगर फ़ोन की बात करता हूँ, और तीसरे फ़ोन की बात करने के साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, चैनल पर चल रहा है गिव अवे, देख ही लीजिए क्या गिव अवे चल रहा है दोस्तों। आपके चैनल पर चल रहा है एक जबरदस्त गिव अवे, जिसके अंदर जीत सकते हैं आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 5 हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं।
तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ एक या दो नहीं पूरे 5-5 मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर और ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों, गिव अवे के अंदर आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप तीसरे फोन के बारे में बात कर लेते हैं, ये है ऑनर का 9N। और ये फोन दोस्तों मुझे भी पर्सनली काफी अच्छा लगा, मतलब इसका लुक एंड फील भी काफी अच्छा है और ये 9000 से नीचे आपको मिल जाता है, तो 8999 रुपए के अंदर एक काफी अच्छा फोन है दोस्तों। 5.84 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, 3GB की रैम आपको मिलेगी, 32GB की अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। और अगर बात करता हूं कैमरे की, तो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल आपको रियर कैमरा मिल जाता है जो कि AI पावर्ड है। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करूं तो जो मैं पिछले फोन में बोल रहा था वो कमी पूरी हो गई है, सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और ऑनर की कैमरे काफी अच्छे होते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक इसमें मिल जाएगी, ठीक ठाक से तो अच्छी मिल जाएगी। ऑनर के कैमरे काफी अच्छे हैं, अगर आपको ऑनर का ब्रांड जो है वो समझ में आता है तो इस फोन के लिए आप जा सकते हैं। हीलियो का इसके अंदर P60 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, साथ ही मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक तो आपको मिलने ही वाला है। ओरियो 8.1 वाले एंड्रॉइड का जो है ओरियो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और साथ ही जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वही है हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर मिलने वाला है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेमोरी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो एक ही सिम आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों इससे अगले अगर मैं फोन की बात करता हूं तो वो एक फोन नहीं मतलब एक ही में मैं 2 फोन आपको बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों फोन अपने आप में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। बस फर्क मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि एक फोन में नॉच है और एक फोन में नॉच नहीं है, तो जिन लोगों को नॉच नहीं पसंद है उनको थोड़ी सी और एडवांटेज मिलने वाली है। मतलब कि मैं बात करने वाला हूं ASUS के ZenFone Max M1 Pro के बारे में और M2 के बारे में। दोनों ही जो फोन है वो 9999 रुपए की आज की तारीख में मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 3GB रैम और 32GB वाले वेरिएंट के बारे में, लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो M1 है उसके अंदर आपको Snapdragon 636 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जबकि M2 जो है उसके अंदर 632 का प्रोसेसर मिलने वाला है। अगर बात करता हूं M1 की तो उसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, और M2 की अगर बात करूं तो उसके अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी। रेस्ट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, बस कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। एक में नॉच है और एक में नॉच नहीं, M2 में आपको नॉच मिलेगी और M1 के अंदर आपको नॉच नहीं मिलेगी। M1 जो फोन है उसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का जो है रियर कैमरा मिलेगा, जबकि M2 के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो है रियर कैमरा मिलेगा। फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो दोनों के अंदर ही आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है M1 M2 को मात दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बाकी अगर आप रियल में देखेंगे तो लगभग आपको सेम सी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। लुक एंड फील भी दोनों फोन्स का लगभग सेम है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों फोन ही 10,000 रुपए के आसपास है, तो आपको M1 में जाना है या M2 में जाना है। एक में आपको नॉच मिलेगी, एक में नॉच नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा लुक एंड फील आपको मतलब फ्रंट में आपको फर्क मिलेगा, बाकी वैसे तो लगभग आपको सेम मिलने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन जो है मोटा मोटा मैं बता दूं सेम सी है, बाकी बैटरी आप देखिएगा तो 1000mAh आपको ज्यादा मिलने वाली है, वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है M1 और M2 के अंदर। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलने वाला है, यानी कि 2 SIM कार्ड लगाने के बाद भी आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और आपको मिलेगा प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस, मतलब स्टॉक एंड्रॉयड इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ ये फ़ोन ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर लगभग सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक है दोनों फोन्स के अंदर, फिर भी अगर मैं बताऊँ कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो कैमरा की कॉन्फ़िगरेशन पे इतना मत जाइएगा, ये 13+5 और 13+2। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी कैमरा परफॉर्मेंस नहीं है, तो इतना मेगा पिक्सल में मत जाइएगा। मैं आपको अपना एक रिव्यू अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तो कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों ये थे वो फोन जो कि मैं छाट के लाया आपके लिए इस रेंज के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, मैं जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।